चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, एक तो आपका मसला किसका आ रहा है जी? बी एफ नहीं अपलोड हो रहा डेटा पे हाँ यार। वो आपने तो थोड़ा सा उसको ट्राई तो करते ना, यूट्यूब वगैरह से देख के पेज ही खोल यार, बेटा आपने ट्राई तो यार। आपका वो मैंने चेक नहीं ना किया था रन टाइम पे। मैं आपने तरीके से उसका सॉफ्टवेयर वगैरह पता नहीं आपकी प्रॉपर हुई नहीं है क्या, आपने सेटअप ही ठीक किया कि नहीं? वो तो हमने रन टाइम पे उसको किया था। ज्यादा किस में डाटा है यार? एक हमने फाइल बनाई थी इंडेक्स डॉट जे एस ना, ठीक है। तो कुछ पैकेज डॉट जेएसएन में जाके हमने कर दिया जी नॉर्मल स्टार्ट अप। अगर एक फाइल और बनानी है तो क्या कह रहे हैं? हाँ जैसे कि हमने मेन पहले फाइल बनाई इंडेक्स जे एस के नाम से, ठीक हाँ है। जेएसएन में जाके उसको तो हमने कर दिया नॉर्मल स्टार्ट इंडेक्स डॉट जे एस। अगर एक फाइल हमने और बनानी है उसको भी जाके दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, और फाइल जरूरत ही नहीं होती ना। इंडेक्स की कह रहा है, हाँ जी, फाइल मतलब ही हो कोई तो भी उसमें फाइल, घर आगे फोल्डर स्ट्रक्चर है। राउटर के अलग पूरा फोल्डर बनता है, कंट्रोलर के अलग पूरा फोल्डर बनता है। ये थोड़ा क्या आपने सारा वो इंडेक्स में एक ही रहेगी, उसका सिर्फ इतना काम है कि आपके कनेक्शन को बनाना बस, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। वो एक ही फाइल बनती है। करना चाहें तो आप ऐसे जितनी मर्जी ऐड कर ले, मतलब एंड एंड करके कर दे, एंड एंड नोड मोन इंडेक्स डॉट जे एस एंड एंड सर्वर नोड मोन सर्वर डॉट जे एस फिर एंड एंड हो जाती है। लेकिन ये कुछ प्रॉपर तरीका होती है, यानी वो बनती है क्या आगे उसका अलग फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं उसकी। कहीं मैं कहता हूँ कि अभी बच्चे नहीं आए तो तुम जो छोटा सा काम कर ले। लॉग इन करें, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक गिट बैश होना चाहिए। गिट डाउनलोड किया होगा? डाउनलोड चलो ठीक है, कह रहा है लॉग इन करें। ये बात सही नहीं है। वो जस्ट सेंड टू यू एंड अटेंडिंग टू कंट्रोल सॉरी दे या कोड दे तो यार बन की पहले गेट को इंस्टॉल करें। चलो सर, गिट पे आपने अकाउंट बना के यहाँ पे नई रेपो बना देनी है, टेस्टिंग हाइफन ऐप। चलो उसमें तो जी नाम अवेलेबल है। गिट का अकाउंट ऑफिशियली आपके पास होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपके पास ये गिट बैश इंस्टॉल होना चाहिए।
टेस्टिंग ऐप के नाम से मैंने एक ऐप बना ली, क्रिएट रेपो, रेपो बनानी है, रिपोजिटरी, एक रेपो बना ली। ये इधर ही पड़ा रहने ने कमांड, ये सारी अभी काम आएंगी। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। यस ये बन चुका है। इतनी देर इस ऐप के अंदर जाते हैं, cls code space dot, इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेते ताकि हमें पता चले कि हम यही वाली ऐप कर रहे हैं। इसके अंदर लिख लेते हैं h1 के अंदर react app for github slash बंद कर, कंट्रोल एस, इसको इधर जाके cls करके एंजन स्टार्ट करके देख लें। सर इतनी देर में मतलब गिट भी हो चुका है, ये देखते हैं। चलो गिट भी हो चुका है, गिट को जरा क्रॉस वेरीफाई कर लिया करें अपने तौर पे। वैसे लगा ये मेरा उसमें स्टार्ट कर दिया हुई है। चलो क्लियर टॉप बार के साथ ये वाली अपलोड करने जा रहे हैं। इसको फिलहाल आप बंद कर दें, यहाँ से क्रॉस करके यस कर दें, cls git hyphen hyphen go cls git, ये पहले का खुला हुआ दोबारा चेक कर देते हैं। गिट आ गया, गिट हाइफन हाइफन बन गया यार, वो पहले का खुला हुआ था इसलिए मसला आ रहा था। लेकिन अब ऐप को दोबारा खोलें, इसका मतलब है आपका गिट इंस्टॉल हो चुका है। इसमें आ जाए, अब बस सीधा सीधा काम। इधर उन्होंने खुद ही बताया कि पहले आपने क्या करना है, गिट इनिट, ओके, कॉपी करें और इसके टर्मिनल पे आगे कमांड फायर करते जाए। सब कुछ इसने लिखा ही हुआ है वैसे, ये देखें। इस पे मैं करता हूँ पेस्ट एंटर, तो गिट इज नॉट रिकमेंडेड, ये क्या मसला आ रहा है। गिट इन इट द टर्म गिट इज नॉट इन एज नेम ऑफ सीएम वो तो टर्मिनल है, गिट बैश एक ही चीज है। इसको कर लें, इसको कर लें, आप गिट बैच भी लिखेंगे ना, गिट बैच, नेम ही नहीं, वो हमें नाम ही उसका अलग अलग दिया होता है। अब गिट क्यों नहीं, कमांड फायर नहीं हो रही। इधर आए, पेस्ट और हो गई है। अच्छा उधर एरर कर रहा है, इधर वो हो सकता है उन्होंने कोई ना कोई मसला किया होगा। चलो कोई बात नहीं, हमें काम से ही कर रहा है। इधर आ रहे हैं, रीडमी की जरूरत नहीं है, गिट कमिट कर दें, इधर कर दें पेस्ट, इसका नाम रख देते हैं हमें, कोई भी नाम अपना रख दें, फर्स्ट चेंज, एंटर कर दें। चलो ये भी हो गया, मेन गिट ब्रांच मेन कॉपी पेस्ट, चलो ये भी हो गया। मैंने मेन ब्रांच बना दी, ये मेरा क्लोन बना हुआ है, इस रेपो में मैंने अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर दी। ये वो खुद ही बना देता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं वो हम उस दिन गलत यही कर रहे थे, हम मैनुअल टाइप कर रहे थे, वो खुद जब बना के दे देता है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये भी हो गया, अब क्या रह गया, गिट पुश तो ओरिजिन मेन कॉपी पेस्ट एंटर, एरर चेंज सोर डज नॉट मैच एनी गिट अपलोड टेस्टिंग ऐप और गिट फेल टू पुश सम, अच्छा क्या मतलब आ रहा है, गिट जैसा कि मैं देखते हैं इसके अंदर उसने लिखा नहीं हुआ, उसने पहले लिखा होता है सर, इसने
पैकेज की फाइल है और जेसन जो पब्लिक है हाँ, वैसे उसमें खुद होता तो है, वो खुद ही ऐड कर देता है गिट इग्नोर में, ये लिखा तो होगा लेकिन। एक बार ऐड हुई तो ये उसमें नोड में तुझे। ओके अच्छा जी, इधर आते हैं, यहाँ पे असल में मसला आया। इधर कॉपी पेज ये हो गई थी, टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड, फलां फलां नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक फाइल प्रेजेंट यूज गिट गिट ऐड टू ट्रैक गिट ऐड। ऑल रीड भी फाइल करता है, चलो रीड भी गिट कमिट की बजाय वगैरह ऐड कर दें, गिट ऐड एम के अंदर करते हैं माई ऐड माई न्यू थिंग। अच्छा चलो कॉपी करें, एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है आ रही है गिट। अच्छा मेन में तो आ रही है, ठीक है ये देखना मेन में तो आ चुकी है। अगर मैं मेन में आ गई है तो इसका मतलब है अब मैं अगर जाऊं रेपो में नहीं जा रहा, वो यहाँ पे वो रेपोजिटरी क्रिएट नहीं कर रहा है। इधर आ क्रिएट करें, रिमोट रीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके अगर ऑलरेडी है तो उसको कुछ भी करना चाहिए उसको। कॉपी करें फिर तो कुछ सम रेफर टू आईडेंटिटी प्लान 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 करते हैं फाइल, चल चली गई है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा उसको लास्ट टाइम से। मेल में घूम रहा है लेकिन हेलो थोड़ा सा यहाँ पे नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, न्यू रिपोजिटरी डेमो डबल है ट्रिपल है और ऐड रीडिंग फाइल। अच्छा हम इसको तो गिट करके देखते हैं, एक मिनट करते हैं थोड़ा। तो गिट करके देखते हैं शायद इसमें कोई मसला ना आ रहा हो।
सही कंफिगर नहीं हुआ। अगर सर ये फोल्डर बन गया था कि नहीं, फोल्डर अपलोड करें अगर गेट का फोल्डर भी बन गया। वो फोल्डर नहीं ना बन रहा यहाँ पे, जब मेन में आता है उसके बाद ये देखे ना यहाँ पे आगे रुक जाता है। सिंपल यही तरीका है, यही कमांड है। बहरहाल देख लेते हैं क्या मसला है। इधर आते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो तो गेट बना हुआ है नहीं? इधर, तो गेट वाला बन गया हो फोल्डर डॉट गेट सब के ऊपर आ रहा है। ऊपर बन गया कुछ नहीं हो रहा। ओके ब्यूटी अगर आ गया है तो कुछ जैसे पहले उसने ना आपने जगह ट्रैक करके तो वो फिर जिप बनानी पड़ेगी फाइल। तो इसको मैंने वो गेट को डिलीट करके दोबारा सारी कमांड फायर करते हैं। गेट इनिट इनिट ओके गेट कमिट हाइफन एम फर्स्ट चेंज। ये नहीं ऐड की जरूरत पेज नहीं वैसे आती, क्योंकि ये कमांड उसने खुद ही बनाई है उसने। ये हमने थोड़ी बनाई है, जब आप रेफर क्रिएट करते हैं वो बताता है आपने कमांड क्या पाइप करनी है। गेट ब्रांच एम नेम, ब्रांच भी बन गई, ये मेन में आ गए। ये क्यों नहीं पूछता है यहाँ पर पेस्ट करें, असल तो रोला भी इसी गई है ना। अब काफी है उसमें। हाँ कुछ कुछ करेंगे तो ये शूट करेंगे तो पता चलेगा मेन। तो फिर दूसरा तरीका होता है कि जिप फाइल बना के ना इस तरह नोड निकाल के उसको कॉपी करके यहाँ पे आप कह देंगे ऐप किसके अंदर पेस्ट कर दें, क्योंकि वहां पे आप एक फाइल अलग अलग फाइलें नहीं कर सकती इसका। इस तरह भी कर सकते हैं, कॉपी करें इधर आ जाए ऐड फाइल अपलोड फाइल, यहाँ पे फाइल चूज करें
यार होगी ये फाइल तो मैं चेंज कर दूँ यार। नॉर्मली वो निकाल के वहां पे लगा एक फोल्डर बना दो, उसके अंदर सारी फाइल रख दो, हाँ ये तो अच्छा लगेगा। ये सारी फाइल्स आपकी आ जाएंगी, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है, प्रोफेशनल यही तरीका है। एरर आ क्या रही वैसे तो हमने सच में नहीं किया, तो ठीक है एरर आनी रहनी चाहिए। चलो अच्छा रिवानी पूछ ओरिजिन मास्टर गेट एरर हाँ आ गया एरर ओके व्हाट माय वर्किंग डायरेक्टरी एंड मोड विल लुक लाइक ठीक है। If your GitHub repo change, you can request your while working locally, I would like to use Git pull rebase. The channel is available to the main Git pull to the main. Rebase ठीक है ठीक नहीं जल्दी ले जाओ चाली नहीं रहा था कोई भी जा किसी का भी जा रहा है डेमो ऐप खोलेंगे और अगर मैं यहाँ पे आगे अपलोड फाइल करूँ इधर आगे ऐप खोलूँ और ये वाला निकाल के ये भी निकाल दूँ ठीक
तरीका चलिए ये देखो, एक और तरीका ढूंढ लिया घर बैठे बैठे, देखते ये टेस्टिंग ऐप बना रहे हैं इधर। फिलहाल क्रिएट न्यू फाइल या अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, ये आपने पूरा फोल्डर अपलोड करना है। इसमें से नोड मोड नहीं करें और गिट तो ये नई बार में बनी है ना, पता नहीं तो सारा फोल्डर यही जा रहा है। इनको ड्रैग करें इधर ला दे पेस्ट करते हैं। एक मिनट वेट करें, अभी बेहतरीन जैसे आपको गिट पे चीज़ें मिलती है ना वैसे ही आ रही है। 17 फाइल्स हैं वो भी अपलोड हो रही है ना, मिनट में इधर फिर नीचे कमिट कर देना, कमिट करना कर देना। एक मिनट प्रोसेसिंग होगी, आपको ऐसे गिट अप बोर्ड नजर आता है लोगों का। अब इसको वही आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास उसी तरह जिप फाइल आ जाएगी। NPM इंस्टॉल करें तो चल जाएगी, आपके पास उसी तरह पूरा कोड आएगा इसका। एवीएम कमांड के चक्कर में मैं पहले वैसे ही ढूंढ रहा था कि ना शॉर्टकट ही मिले, जो वही फोल्डर आपका आ गया। इसमें NPM आई करो, ये ज्यादा आसान एवीएम कमांड। हम सपोज इतनी फायर कर रहे हैं पैदा, लेकिन यह है कि ये एहतियात करनी कि आपने नोड मोड कर देंगे तो वो फिर आपकी स्पेस ही जानी है ज्यादा। अब कोई भी आप उठाओ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे जाओ DAW पे, मैं कितने को पढ़ाता हूँ जब किसी फायर मिल ही जाएगा। ऑर्डर में ये पढ़ाया, फाइल को पढ़ाया, रिएक्ट राउटर यूज फायर एंड राउटर करें, ये कर देते हैं। अच्छा असल में ना गेट किसी ने पहले इंस्टॉल किया तो शायद कन्फिगर हुआ हुआ है, देखिए कॉपी करें तो कोई कॉपी की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप एक रेपो क्रिएट करें, नहीं इधर आ जाए नहीं रेपो, यहाँ पे लिख दें रिएक्ट राउटर, रिएक्ट राउटर ये हो गई। इसको कर दें ऐड करनी है रीडमी फाइल तो कर दें, या ना भी करें तो कोई मसला है क्योंकि उसके अंदर भी रीडमी होती है। आ गया अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, इधर आ गए इधर पकड़े इनको, ये वाले ये तो दूसरी टैपिंग है, ये वाली है बात राउटर आ गए, इसको पकड़े ये टाइम चेंज करता। जब प्रोसेस पूरे हो जाए तो उसको कमिट भी करना है। चलें ये आपका एक तो मसला सॉल्व हुआ, अब दूसरे मसले की तरफ आते हैं डेटाबेस की तरफ। अच्छा हाँ एक मिनट आ गए सारे यार, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। PBT का नाम सुना हुआ किसी ने? PBT तो नाम ही नहीं सुना किसी ने, जैसे 22 लॉ हो रहा है उसी तरह PBT भी लॉ हो रहा है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आपको समझ आ गए हो गया जी, ठीक है आप खुश हैं, टेंशन नहीं करते। अब रेपो में आए आपके, वो जो हमने भी 2-3 रेपो बनाई है वो इधर आ चुकी है, ये रेपो में आए। ये अगर ये सारे येलो आइकन बन जाता है ना तो इसका मतलब ये रियाज की फाइल है। आप जितनी भी ऑनलाइन फाइल देखेंगे ना, ये देखें टोकन वेरिफिकेशन मैंने किसी जगह अपलोड की थी, ऑथेंटिकेशन मर्न मल्टीपल को मैंने ऐड किया हुआ है, ये सारी रिएक्ट की फाइल है कोड, ये प्रॉपर सही अपलोड होगी। इसको खोलेंगे तो आगे आपको उसी की डिटेल मिल जाएगी। ये आप ये सारे ये बैकएंड आ गया, इस तरह आपका बैकएंड बनेगा, कंट्रोलर हेल्पर मिडलवेयर मॉडल राउटर और ये server.js की फाइल एक ही रहेगी, ये उसी तरह किसी पोर्ट पे कंफिगर किया होगा। चलें जी आपका ये काम तो ये बल्कि ज़्यादा आसान हो गया। अब मैं भी यही तरीका किया करूँगा, एम ही कमांड फायर करते रहें, इतना वो टाइम वेस्ट होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यहाँ से लाइव करना ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को ना, वर्सल पे लाइव करके एक मिनट देख लें, अगर वर्सल भी हो जाता है ना कनेक्ट, इधर आ रहे हैं वर्सल। वर्सल का ये फायदा है, एक तो ये रिएक्ट वालों ने और जावास्क्रिप्ट ने अपनी फाइल बनाई हुई है ये वाला,
ये वाली लाइब्रेरी उन्होंने खुद अपने लिए बनाई है, कनेक्ट विद गिटहब। आप गिटहब से कनेक्ट हो रहे हैं। वर्सर वुड यू लाइक टू परमिशन? हाँ जी दे रहा परमिशन। क्या कह रहा है पता नहीं कौन सी ऑथराइजेशन किससे कर रहा है वो। अच्छा इमरान ही खुदा हुआ है कंटिन्यू विद गिटहब। चलो लॉग इन इसका ये फायदा कि जो आपने गिटहब पे प्रोजेक्ट भेजे हैं ना वो सारे इधर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर वो गिटहब सिर्फ आपने इंपोर्ट करना वो खुद ही लाइव हो जाएगा। सबसे आसान काम ये होता है। गिटहब पे जाएं तो यार ये क्या कह रहा है, गिटहब पर चले गया कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलो अब इधर आ जाए प्रोजेक्ट में जर्नल इमरान फिर प्लान 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 ठीक है। ये तो पर्सनल आ गया। स्टोरेज मॉनिटरिंग डोमेन इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कंसोल। यार इधर प्रोजेक्ट अपलोड में इंटरफेस फिर बदल दिया। सारे आ गए इसको कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करेंगे आप सभी सभी डिप्लॉय कर देता है। ये कनेक्ट हो गए हैं। डिप्लॉय भी तो करना चाहिए ना। डिस्कनेक्ट हो गया, गिट हो गया, कनेक्ट नाउ ठीक है, कनेक्ट हो गया वर्चुअल और गिट तो प्रोडक्शन आ गई मेन है जो ग्लास वाला है डिप्लॉय। कभी कर देता है यार अब फिर चेंज कर दिया। ये कनेक्ट हो गया इस पे क्लिक करेंगे लोग से डिप्लॉयमेंट ये बढ़
एक ब्लॉक को अपने डिप्लॉय कर दिया। इधर यहाँ पे आपकी ऑप्शन आ जाती है उसको इंपोर्ट करने की, लॉग यहाँ पे आ जाए, नोट ओवर किया, नेक्स्ट इमेज। तो हमने नेक्स्ट जीएस पे ले आया पूरा, नेक्स्ट का नहीं करना है, रियल पे करना है, रियल 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 रियल। तो टेस्टिंग ऐप कर लें, टेस्टिंग ऐप है उसका नाम रियल टाइम डिप्लॉय, ये आ गया डिप्लॉय। ये खुद ही उसकी एक यूआरएल आपको दे देगा बना, ये भी असल में ना अपडेट होता रहता है, चीजें जरूरत पड़ती है कोई नहीं निकली है हमारे पास, वैसे ही गिटहब पे प्रोजेक्ट पड़े होते हैं उसको अपलोड तो कर देंगे। ये देखें ये अभी डिप्लॉय करके ना आपको एक यूआरएल क्रिएट कर देगा, वो आप अपनी सीवी में ऐड कर लें या अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट में जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वहाँ पर ऐड कर। सबसे आसान तरीका ये वाला, गिटहब पे अपलोड करें, वो खुद ही ये देखें अपने गाड़ी आपकी, वो देखें वो आ भी गया क्या कह रहे हैं, यानी इस पे डिप्लॉयमेंट सबसे आसान है। यहाँ पे जाए ये देखें अब आ गए क्रिएट प्रोजेक्ट, ये जितने भी प्रोजेक्ट आपके गिटहब पे है ना अगर आपने कनेक्ट कर दिए देखो सारे आ गए। ये अमेजोन फ्रंट एंड भी पड़ा है, इसको इंपोर्ट करें और इसको डिप्लॉय कर देगा आप, वो खुद ही डिप्लॉय हो जाएगा और ये आपको यूआरएल मिल जाएगा, ये यूआरएल संभाल के रखते हैं। यानी सबसे फास्ट जो है ना इसका सर्वर है वीपीएस, ये नेक्स्ट और रिएक्ट की टीम ने बनाया है, रिएक्ट की ऐप अपलोड करने के। आप खुद सोचें कि रिएक्ट की ऐप पहले कितनी फास्ट है और उन्होंने अपने आप लोगों के लिए ये एक डोमेन प्रोवाइडर भी बना दिया फ्री। हाँ लेकिन ये है कि जब प्रोफेशनल बनाएंगे तो आप अपने डोमेन लेंगे तो फिर ये साथ नाम ही ना आएगा, फिर आपकी वेबसाइट का नाम abc.com.org के जो भी आप परचेज करेंगे तो रिपेंटिंग के दौरान को एरर आ गई है वो अपलोड लगता सही फाइल नहीं हुई, डिप्लॉय नहीं सही हो रहा। पता नहीं हमने वो गिटहब पे सब प्रॉपर कुछ भी सही किया कि नहीं, अच्छा जी इसको आप अपने तौर पे देख लें। आप मेन था गिटहब का, गिटहब का तो सलूशन ही आसान नहीं किया है, हाँ मतलब इससे आसान तो सलूशन नहीं हो सकता ना। इसी तरह ही आपको कोड आपका नजर आता है जो आप डेवलपर्स का कोड देखते हैं ना वो भी इसी तरह फोल्डर बन जाते हैं, इसको बंद कर दें, इसको लगा रहने दें। अब हमने कल इधर ही पढ़ी थी क्लास, अच्छा जी छोटी सी अनाउंसमेंट पहले सुन लें फिर मेरे ध्यान से निकल जाना। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक इदारा है जो टेक्निकल एजुकेशन जैसे डीकॉम बीकॉम बीटेक इस तरह की डिग्रियां करवाता है और ये गवर्नमेंट का है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल। ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरह ही एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला इदारा है। ये ना जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं लाहौर के अंदर जैसे PNY है या जो भी लोग कंप्यूटर के कोर्सेज करवाते हैं इनको ना ये कोटा देता है हर साल कि आप 15 सीटें या 15 स्टूडेंट आप अपनी तरफ से हमें दें तो वो हमारा गवर्नमेंट का इम्तहान देंगे, बदले में आपको गवर्नमेंट का 6 माह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कभी ग्राफिक्स का आता है, कभी वेब का आता है, कभी मोबाइल ऐप का आता है, इस वक्त फुल स्टैक वेब का आया हुआ हमारे पास, इसमें 15 सीटें इस वक्त हमें मिली है टोटल। चार्जेज इसके क्या है, गवर्नमेंट की जो फीस है वो 5,000 है, ये आपने ना हमें पे करनी है ना हमारा इससे कोई लेना देना। 6 माह बाद आपका एग्जाम होगा जो मैं कंडक्ट करूँगा,
पेपर मैं बनाऊंगा, पेपर सेटिंग सारी मैं करूंगा, सिर्फ 10 नंबर का जो पेपर है वो गवर्नमेंट देती है, बाकी 90 नंबर का पेपर मैं खुद बनाता हूँ। कौन सा एग्जाम होगा, तैयारी आप इधर ही हो रही है, जो पूछता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, वो देते उन इदारों को जो ऑलरेडी ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं तैयारी स्टूडेंट को उधर करवाएं, ये गवर्नमेंट की फीस आपने दे दी। 6 माह बाद एक मजे का और बड़ा फैंसी आपको सर्टिफिकेट, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेट बनाया हुआ उन्होंने, और वो गवर्नमेंट में कल को अगर आपने गवर्नमेंट में जॉब करनी है तो वो गवर्नमेंट के हर इदारे में वैलिड है, यानी गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं। मतलब PNY को भी कल को हम कहें ना कि गवर्नमेंट के डिप्लोमे को रिप्लेस कर दें तो PNY फोर्स नहीं कर सकता, मतलब FBR में पोस्टें कल को आई हैं डेवलपर की, तो हम कह रहे जनाब हमारा डिप्लोमा एक्सेप्ट करें PNY, वो बाउंड नहीं है, लेकिन ये वो बाउंड है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको देगी। तो अगर आप में से कुछ करना चाहता है, वैसे तो हो सकता है मेरे सीटें भी एक दो रह गई हों, क्योंकि आज ये कल इसकी लास्ट डेट थी, अब तक तो स्टूडेंट पूरे भी ना हो चुके हों। मैं अपने डिफरेंट जितने बैच मैं पढ़ाता हूँ उनमें मैंने सबको बताया हुआ है, या एक आप रह गए थे मेरे जहन में याद आया, यानी आपको 5,000 के बदले 6 माह बाद एक वैलिड डिप्लोमा मिल जाएगा जिसकी प्रॉपर अथेंटिसिटी हो। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ इकबाल टाउन की टीम का, जो आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताएंगे, लें इसका नंबर लिख लें आप 0309, जो कोई करना चाहता है तो वो इसको नोट कर ले, और बेहतर है कि आज ही कर, मतलब ज़्यादा देर करेंगे तो वो वैसे ही मैंने आपको बताया शायद आपको चांस मिलेगी ना, क्योंकि तो मेरे बैचेज में तादाद ज्यादा होती है 26-40, दूसरा भी है 26-40, ये दोनों PNY के नंबर हैं। इस पे हो सकता है आपको उमर साहब मिले, उमर या हो सकता है शाहे मिले, या हो सकता है उमैर मिले, ये तीनों ही, क्योंकि एडमिशन में ड्यूटियाँ चेंज होती रहती, पता नहीं आप किस वक्त रास्ता करें, तो दिन में सुबह 10 से 4 बजे तक है, तो दोपहर 12 से रात 8 बजे तक है, पूरा दोपहर 2 से रात 10 बजे तक है, तो जिस स्लॉट में करेंगे इन तीनों में से आपको कोई भी मिलेगा, ये आप नोट कर लें। अगर कोई करना चाहता है 6 माह बाद आपका एग्ज़ाम होगा PNY की ही किसी ब्रांच, मोस्ट प्रोबेबली इकबाल टाउन होते हैं, मैंने जितने पिछले 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, पिछली दफा मैंने फ्लैक्स की रिक्वायरमेंट दे दी कि कार्ड फ्लैक्स लगा के एक लाइन में डिस्प्ले करे, फ्रंट एंड का था, अब फुल स्टैक है, अब वो मैंने राउटिंग का टास्क सोचा होगा, यानी प्रोडक्ट ओपन करें और उसकी डिटेल एक सिंगल प्रोडक्ट तक जाऊंगा, कितने टास्क है, 10 नंबर की थ्योरी आएगी, बाकी 90 नंबर का जो पेपर है वो मैं सेट करता हूँ, इनविजिलेशन भी मैं करूँगा, प्रोसेसिंग भी सारी मैं करूँगा, 5 को उनकी जो पहले वाले थे उनकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 5 सितंबर को, और बड़ी अच्छी हम ऑर्गेनाइज करते हैं सर्टिफिकेट सेरेमनी, उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आते हैं, जो टॉपर होते हैं उनको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, आपकी वो फोटो शूट वगैरह होगा। हाँ ये हम नहीं कर सकते कि वहाँ पे मायरा खान को बुला लें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है वो हमारे अपने ही बंदे होंगे या गवर्नमेंट होगी, 5,000 में इतना कुछ ही होगा। तो जो करना चाहता है नंबर नोट कर ले, ये एक अच्छी ऑप्शन आप लोगों के लिए। ले जी कल वाला मैं टास्क डाउनलोड कर लेता हूँ वेब से, ताकि आज जो है ना डेटाबेस में डाटा स्टोर करें हम जल्दी जल्दी। जी सर कोई बात नहीं, दोबारा कर लें कनेक्ट, पोस्टमैन का कल की कोई नहीं, अभी तो पोस्टमैन का लेना देना ही कोई नहीं भाई, पोस्टमैन का काम आज स्टार्ट होगा, आपके पास इनसे सॉल्व कराया करें, ग्रुप में कर चले मैं देख लेता हूँ, ग्रुप में सबसे बेस्ट पता क्या होता है, ग्रुप में पोस्ट किया करें, ग्रुप में अगर ना सोलूशन हो फिर मुझे बता दिया करें, कर लेते हैं। अच्छा जी ये कल वाला मैं कोड डाउनलोड करके जरा आज
ध्यान से सुने, आज हमने डेटाबेस में डेटा भेजना है, यानी डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, एटलीस्ट बैकएंड पे भी हम स्टोर कर लें तो समझ लिया हमने डेटा स्टोर करना सीख लिया। फ्रंट एंड से तो जस्ट हमने फिर फॉर्म ही बनाना है, फॉर्म से वो वाली प्रॉपर्टी भेज देंगे। नहीं जी यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कट करके सी ड्राइव में ले जाता हूँ, कुछ यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसी को मैं नेक्स्ट टेन बना लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, और इसको कर दें डेट टेन, कट करके यहाँ पे ले आए पेस्ट, और इसको डिलीट कर दें, इसको कर दें डेट टेन, ये इसी को इस सिंपल आप सी एम डी में ओपन करके एन पी एम आई कर लें, ये इंस्टॉल होता रहेगा इन बिटवीन हम मोंगो डी बी और पोस्टमैन को ओपन करके रख लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये बात इसको हमने आईपी एड्रेस लोकल पे सेट किया था तो लोकल से कनेक्ट कर देते हैं और पोस्टमैन को ओपन करके इधर ही मिनिमाइज कर देते हैं। लें ये क्या हो गया, अलाउ एक्सेस कर दें, एक्सेस ग्रांटेड, ये भी हो चुका। हाँ जी नंबर नोट कर लिया जी, मैं ग्रुप में चैट में भी शेयर कर देता हूँ, चैट में शेयर करना है तो ये इररेलेवेंट स्पेस ज्यादा आ जाएगी और ये उड़ा देते हैं चीजें, इसको इस तरह कर लेते कॉपी और पेस्ट। इधर जो चैट में इस वक्त लोग मौजूद हैं वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, लेकिन आज के दिन ही शायद आपके पास ऑप्शन हो, फिर आपको मतलब 12-13 तो मेरे बंदे हो भी चुके होंगे इस वक्त, रोज मुझे कॉल आती हैं और मैं सिर्फ ये सर्कुलेशन अपने ग्रुप्स में ही करता हूँ। वैसे अगर हम पूरी पी एन में कर दें तो इतने ग्रुप में तो एक एक बच्चा भी लें तो 15 से ज़्यादा तो ग्रुप हैं, 15 सीटें मिली हैं इतना फोर्थ टैग की, कभी 20 मिल जाती हैं, कभी 12 मिलती हैं, तो वो गवर्नमेंट की मर्जी है जितनी जगह हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको ब्लैक कर दें जी, तीन डार्क ये ऊपर जो स्कीमा बनाया है एक वेरिएबल में स्टोर, कौन सी लाइन कह रहे हैं ये इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका है, ये नीचे किया अब मॉडल, एक पहले यूजर में मैंने स्टोर किया वेरिएबल में यूजर स्कीमा जो आपका है मोंगूज डॉट मॉडल, मोंगूज के अंदर जो आपने पूरा मॉडल बनाया पूरे मॉडल को लहरा एक्सपोर्ट करना है और फिर किसी वेरिएबल में उसको स्टोर करना, ये एक मॉडल को एक्सपोर्ट करने का यही तरीका है, बाकी जितनी फाइलें में सीधी सीधी होंगी वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, वो सिंपल ही होगा, ये सारा यही तरीका रहेगा। हाँ इसका समझ लें मॉडल है ना, क्योंकि इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज भी जाती हैं। चलो डार्क हो गया यार, एक मिनट इसको मैं करता हूँ कॉल बार में, नहीं जी जल्दी जल्दी आ रहे हैं जी, हमने मॉडल्स का स्कीमा वगैरह बना लिया था कल, तो अब रह ही क्या गया है मॉडल में आके, मॉडल किधर गया, ये आ गया, स्कीमा तैयार हो गया, नेम एड्रेस ईमेल पासवर्ड स्टोर करना है, ओके जी। यहाँ पे आए सर्वर में, अब आपने मेथड बनाना है पोस्ट, ठीक हो गया, ये हमने कल टेस्ट कर लिया था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था पूरे के पूरे फॉर्म का डाटा होता है, उसमें नेम भी आएगा, ईमेल भी आएगा, एड्रेस भी आएगा, पासवर्ड भी आएगा। अगर आप ये वाली झंझट नहीं करना चाहते कि अलग अलग प्रॉपर्टी करें, तो आप अगर खाली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिख लें तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर होंगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपने तसल्ली से देख लिया है पास, ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टी जो निकालेंगे वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिलेगी आपको, ये आपको समझाने के लिए था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो अब जो मेरा यूजर बना है, यूजर मॉडल को मैं पहले यहाँ पे बोर्ड ये उड़ा दें, ये सिर्फ समझाने के लिए था, कल जगह बन जाएगी, ये भी उड़ा ही दें, इसका क्या करना है, ये एक आध रख लेते हैं, ठीक है ओके। देखें जो मेरे पास आपको मैंने कल भी बताया था, ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, मैं न्यू यूजर करके इस तरह भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, इसको नए वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ डाटा, ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, अगर आपने सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी हो क्लास में से ऑब्जेक्ट इस तरह बनाए जाते हैं, सी में भी इस तरह बनते हैं, सी शार्प में भी, जावा में भी, पी एच पी में, जावास्क्रिप्ट में दो तरीके हैं, एक ये तरीका है और दूसरा तरीका वो सिंपल है ये वाला जो ब्रैकेट्स के साथ आप बनाते हैं ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला तरीका चलेगा और इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ जो भी डाटा वो सारा भेज, जो भी मेरी यूजर रिक्वेस्ट मुझे भेजेगा
ये बॉडी आपको आएगी फॉर्म के साथ अटैच होके, फॉर्म में जो फ्रंट एंड से चीजें भेजेगा, नाम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ जाएगा। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पूरी की पूरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही पास कर ऑब्जेक्ट बनाते हुए रन टाइम पे, तो अब मेरे पास सिंपल तरीका रह गया, जो डाटा है इसको मैं सेव कर दे। ये सेव का मेथड मोंगो डीबी का है, डेटाबेस में अगर स्टोर करना है ना तो डॉट सेव लिखेंगे तो सेव हो जाएगा। मोंगो डीबी को आपने घर जाके थोड़ी सी इसकी कमांड पढ़ लेनी है, वैसे तो 8-10 कमांड ही हैं, मगर आपने मोंगो डीबी में सेव कैसे करना है, सेव मेथड, ये देखो ना लिखा है डॉट सेव, और यहाँ पे अगर लिख दें मोंगो डीबी ट्यूटोरियल्स, आप W3Schools पे भी चले जाएं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, 5-7 मेथड है वैसे, थोड़ा सा ज़रा हिम्मत करके इसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, अदरवाइज इधर ही आपके जितने मेथड आपकी लाइफ में यूज होंगे ना वो इधर ही प्रैक्टिस हो। जो ज़्यादातर फेमस हैं, सेव करने का तरीका है, फाइंड है, फाइंड वन, ये फाइंड है सारा रिकॉर्ड ढूंढना, फाइंड वन एक रिकॉर्ड ढूंढना, फाइंड मैनी भी होता है, इसी तरह डिलीट वन है, खाली डिलीट है, डिलीट वन है, डिलीट मैनी है, और क्रिएट है, ये तकरीबन 80% यही मेथड यूज होता है आपकी फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड कॉम्प्लेक्स लेवल की वेबसाइट बनाने। मैं कॉम्प्लेक्स लेवल की कह रहा हूँ, इससे कोई नया तरीका नहीं आता, और ये तरीके आपके इसी प्रोजेक्ट में यूज हो जाएंगे। एक दफा अगर इनको फिर भी गो थ्रू कर लीजिएगा कि फाइंड के बजाय आप फाइंड लिखते हैं तो क्या आएगा, फाइंड वन लिखेंगे तो क्या आएगा, अब देखें डॉट सेव किया तो उसके नाम से पता चलता है, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट, और यही वाला रिजल्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम कल क्या कर रहे थे, हेलो यही कर रहे थे ना यूएम के लिए, तो अगर मैं इसके अंदर रिजल्ट सेंड कर दूँ जो मुझे डाटा आ रहा है, इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अच्छा, जब आप डाटा स्टोर करेंगे ना, ये एक चीज़ याद रखनी है आपको, डेटा स्टोर होने में या डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होने में टाइम लग सकता है, तो इसको एसिंक अवेट बनाओ, इसको भी अवेट कर लेंगे, इसको भी अवेट ये बना लें, क्योंकि पता कोई नहीं, अभी तो आपको ये चार प्रॉपर्टी नज़र आ रही है सीधी सीधी, नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, हो सकता है कल को आपको 50 प्रॉपर्टी स्टोर करनी पड़ेगी तब प्रॉब्लम आएगी। ये अब क्या रह दे रहा है, अच्छा तो वैसे ही जा ठीक है, मेथड क्या आ गया, पोस्ट, उसका पाथ आएगा रजिस्टर, एसिंक अवेट और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अगर आप इस पे लॉजिक लगाना चाहते हैं, कोई इफ लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ये वाला काम भी कर सकते हैं कि अगर रिजल्ट के अंदर कुछ भी डाटा है तो आप ये वाला डाटा भेज दो और साथ एक मैसेज प्रिंट कर दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज लिख दो, डाटा सेव, एक तो ये डेवलपर तरीका यूज करते हैं, ये अभी इस पे फोकस ना करें, इसको जरा मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपर करते क्या, या एक स्टेटस कोड आपने नेक्स्ट वीक याद करके आना, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेटस कोड क्या होता है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर 200 है तो ओके है इसका मतलब, और मैं मैसेज एक सेंड करता हूँ जिसमें सक्सेस मैं बना दूंगा ट्रू, ये सक्सेसफुल हो गया है, मैसेज उसका मैं दे दूंगा यही वाला, डाटा सेव सक्सेसफुली, और जो भी डाटा आया वो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं दे दूंगा, ये भी तरीका आता है। अच्छा, ये फजूल काम है इतना, असल तो डाटा आपका चला जा चुका है, अगर आप इतना भी कर देना रिस्पॉन्ड और सेंड, ये डाटा आपका जा चुका है, ये काम सिर्फ ये है कि आप डाटा के अंदर उसको चेक करने के लिए कि यार डाटा प्रॉपर जा भी रहा है या नहीं, आपको कोई मैसेज मिल जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि डाटा सेव हो गया। इस पे आपने एक काम करना है, स्टेटस कोड एक तो मोंगोडी भी आपने पढ़ना है, और दूसरा स्टेटस कोड आपने तो 5-7 है वो देख के आना है, वो भी आप
क्या हो रहा है, फिर वही मसला जो, और ये बड़ा प्रॉब्लम। फिर पहले अब ढूंढे इमरान साहब की तरह जी, पी एन वाई पार्ट टू में, इस वक्त पी एन वाई अब पार्ट टू में मैं चला जाता हूँ। ओके, तो और इसको करते हैं डिस्कनेक्ट। बनाने के लिए हमें इतना लंबा चक्कर काटना पड़ा कि बस तो इमेजेस में जाएं, ये आ गए जिसको कस्ते, ये कट हो रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ साफ से पिक्चर ढूंढ लें, ये ले लें 200 मतलब ओके, 200 क्रिएटेड, 202 एक्सेप्टेड, 301 मूव्ड, 400 बैड रिक्वेस्ट, अनऑथोराइज, फॉरबिडन, नॉट ऑन, ये आपको कुछ स्टेटस कोड ना कुछ 8-10 याद होनी चाहिए फिंगर टिप, क्योंकि इन स्टेटस कोड को हमें बाद में आगे यूज करना है। लें जी, सर्वर को स्टार्ट कर लिया है, वो पहले ही क्रैश हो गया, क्या आ गया सुबह सुबह इस पर मसला क्या आ गया। मोंगो डीबी सर्वर मोंगो डीबी 2701। ओके ठीक है जनाब, ये पड़ी है डिस्कनेक्ट करके मैं लोकल होस्ट पे कर लेता हूँ कनेक्ट। इधर आते हैं, इसको लोकल होस्ट पे कर लिया, ठीक है ओके 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 ठीक है जी, यस रियल एस एन पी एम स्टार्ट। चलो कनेक्ट होगी, ये वैसे अजीब ही काम है ये ना, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हुए कभी आप देखें, इधर पाथ आपका ये वाला होना है, उधर वो लोकल होस्ट पे कनेक्ट हो गया और उसने मैसेज भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसका लोकल आईपी एड्रेस ये होता है, वो नाम होता है स्ट्रिंग, उसका आईपी एड्रेस ये होता है। बहरहाल इसको देखते हैं, सबसे पहले तो हम पोस्टमैन पर टेस्ट करते हैं, कॉपी करें, मैथड है पोस्ट, 5000 आई पी एड्रेस देख लेते हैं, इधर आ जाए 5000 है ओके। और राउट क्या है जी, रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर कर लें, लें जी ओके हो गया। अब डाटा क्या भेजना है, बॉडी के अंदर डाटा भी भेजें, बॉडी के अंदर रा में कुछ टेस्टिंग जेसन डाटा भेज के देखें, यहाँ पे आप डाटा भेजें, की वैल्यू पेयर में उसी तरह नेम के अंदर आप रख लें एड्रेस है लाहौर कर लें, कॉमा ईमेल junaid@gmail.com और पासवर्ड रख लें। मेरे ख्याल में ये डाटा अभी आएगा नहीं, तो मुझे तक उम्मीद है इधर शायद हो सकता है खाली ब्रैकेट बंद है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लेकिन देखते हैं, शायद हो सकता है वो मान ही जाए। सेंड करें, पहले ही एरर आ गई, मसला क्या, पहले तो ये देखता हूँ ओके जी, क्या कह रहा जी, गेट इनफो होस्ट नेम मंगो डीबी, अच्छा ठीक है होस्ट नेम में मसला आ रहा है, इसके अलावा और भी मंगो डीबी में ही प्रॉब्लम आ रहा है। मैप कर रहा, अच्छा डाटा बेस कनेक्ट हो गया है, उसके बाद जब हम रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं तो वो क्रैश हो रहा है, ठीक है ओके। इधर आ जाएं, डाटा बेस को भी फिर एक ही आईपी एड्रेस पे कर दें, तो ये दो दफा लिखा हुआ है ओके, ये लो ये हमारी मिस्टेक है, ये लो मोंगोडी भी उड़ा रहे हैं, हो सकता है आप वो लोकल में भी सही कनेक्ट हो रहे हैं, इसको इधर आए डिस्कनेक्ट कर दें, डिस्कनेक्ट ये लें कनेक्ट,
कंट्रोल एस, इसको एक दफा किल करके दोबारा चलाएं। मेरा वाला वही मसला था, npm start, ठीक हो गया। ओके जी, अब दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, अभी भी डाटा नहीं आना चाहिए, शायद आ रहे रिस्की है, देखते हैं। डाटा ये देखें, डाटा बेस में डाटा चला नहीं गया, ये मैं अभी भेज रहा हूँ किधर, पोस्ट में। तो डाटा देखें, डाटा बेस में भी जाना चाहिए, उसकी वजह ये कि हमने डाटा बेस के साथ कनेक्टिंग भी करवा दिया। उसका नाम क्या रखा है हमने डाटा बेस डेटाबेस का, ये बन गई है देखें, डाटा बेस यूजर के अंदर आए, ये डाटा। या आप ऐसा करें एक और टेस्ट कर लें, यहाँ पे मैं कहता हूँ इकराम लाहौर की बजाय कर दें मुल्तान, यहाँ पे कर दें इकराम, और यहाँ पे कर दें पासवर्ड अभी के लिए ABC123 सेंड। ये देखें नीचे आ रहा है क्रिएटेड, ये वो जो नीचे हमने टाइम स्टैम्प ऐड किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखें नेम आ गया, एड्रेस, ईमेल, आईडी, देखें उसने खुद ही बना दी, ये यूनिक ही होगी, हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोंगो डीबी हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज देता है। अब मोंगो डीबी में रिफ्रेश करें, दो अब ये हमारे पास अभी यूआई नहीं है ना, हम अभी यूआई के बगैर इधर पोस्टमैन से डाटा भेज, यहाँ पे कराची का आप देंगे लें, और यहाँ पे जाते हैं हसन, इसको ABC रहने दें, सेंड। वैसे सर जी, जब डाटा भेजना है तो वो आपने थंडर से भेजना, हाँ तो और क्या, पोस्टमैन टेस्टिंग के लिए है। आप बैकएंड डेवलपर, आपने API लिख के फ्रंट एंड को देनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि डाटा सही जा रहा है कि नहीं, तो टेस्टिंग टूल तो होना चाहिए। देखिए कितनी एरर आई थी, मैंने तो क्लाइंट साइड तो है नहीं मेरे पास, वो मैं एरर पढ़ता गया हूँ। अब मैंने पोस्टमैन पे टेस्ट करके देख लिया, अब यही डाटा पकड़ के हम फ्रंट एंड से इसको इसके हवाले कर देंगे, इसको कहेंगे ये पकड़ोगे डाटा, डाटा को स्टोर कर देगा यही डाटा वो मोंगो डीबी में। चलें ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी ना टाइम है तो इसका फायदा ले लेते हैं। डेट टाइम अब फ्रंट एंड ही बनाने लगा सर, ये कौन सी आया था, चलो इसी में बना लेते हैं, गिट उड़ा लेते हैं, इसी में CMD कर लें, कोड स्पेस डॉट, इसको चेक कर लें, ये चेक कर रहा है, इसको बंद करें, बंद कर दें, क्लोज, इधर आए, इसको पहले चला लें CLS NPM स्टार्ट। अब पहले बैक एंड का अपना पूछ लें जी, ताकि मैं फ्रंट एंड पे तो आप सिर्फ वो आपने पहले ही सारा कुछ पढ़ा हुआ है, API मैंने बनानी है, मेथड उसको बताना है, पोस्ट और डाटा भेजना, इधर पहले पूछ लें जो डाउट है। हाँ जी ये ऑब्जेक्ट बना है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मैंने आपको बताया सारी प्रॉपर्टी होती है, तो वही ऑब्जेक्ट बनाते हुए प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी, ये तो समझ लीजिए फजूल ही इतना काम किया, ये तो वेरिएबल ही बनेंगे, ये डाटा उसी डाटा को मैंने सेव कर दिया है, देखें यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। सर मैं कहा भी है यहाँ पे आप कर सकते हैं भाई, मैंने आपको करके तो बताया, ये लें हो जाएगा सेव, वो अभी पहले वो सीधा सीधा समझ लेना, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने इसलिए 3 लाइनें कर दी हैं। क्या वो आप वो या फिर ये ना ना कहे कि मुझे एरर ठीक करके दें, उसको ढूंढें, async का वेट करें, कोई ना कोई एरर आ रही होगी, अब कोई ना कोई एरर पड़े ना, एरर क्या है, आप भेज कैसे रहे हैं डाटा पोस्टमैन पे, बॉडी के अंदर रा में जाके यहाँ पे जेसन में भेजना है, यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करना है, ये तो अब मैं इस पे लग गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाना है, इसको बाद में देखते हैं, हाँ वो टाइम लग जाएगा मेरा, फिर ये वाला काम रह जाएगा। इसको कन्वर्ट करना जरूरी है ना, ऐप डॉट जो आपने एक्स्ट्रा सीखा हुआ है, एक्स्ट्रा डॉट, हाँ जी नाम करेंगे वो,
हाँ जी, इसीलिए मैं अरे रेंज में था कि वो मैंने नहीं किया तो बार बार कह रहा था एरर आएगी, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो खाली ऑब्जेक्ट भेज देता। इधर ही फॉर्म बना लें, टाइम पे जाते हैं इसको खाली करके इधर ही छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं, बल्कि एक कंपोनेंट बना ही लें बाद में, इधर कल तो और काम भी करना पड़ सकता है कंपोनेंट। इसके अंदर मैं एक बना लेता हूँ रजिस्टर डॉट जी एस RFCE, और इसको क्या देते हैं रजिस्टर को इस पर कॉल कर लेते हैं यहाँ पे रजिस्टर, वो छोटा सा आ गया है इतना ही काफ़ी है। लें जी, अच्छा जी मैं फॉर्म जल्दी बनाऊंगा क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता है, इस पर मैं बरीकी पे जाऊँगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि फॉर्म हैंडलिंग पे आपने पहले भी काम किया हुआ है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, एक नेम लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ फिलहाल, और इसको क्लोज करता हूँ, और इधर ही ब्रैकेट दे ब्रेक दे देता हूँ ताकि वो नीचे थोड़ा सा आ जाए। इसको एक प्रॉपर्टी देनी है नेम, नेम इसका नेम ही रहेगा और वैल्यू भी इसकी नेम ही रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर प्लेस होल्डर भी दे दें ताकि पता चल जाए, बारह ठीक है वैसे बाहर नाम भी दे दिया तो ठीक है। और मैं कहता हूँ एक ही दफ़ा दे दो, नेम आ गया, वैल्यू आ गई, टाइप टेक्स्ट ओके, दो तीन चार कर मतलब चार, नेम एड्रेस ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे उसका नेम एड्रेस आ जाएगा और वैल्यू भी एड्रेस में रख लें, और यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा ईमेल और वैल्यू आ गई ईमेल, यहाँ पे आ गया उसका पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड। सब के अंदर मैंने एक ही फंक्शन बनाना है, इन लाइन फंक्शन ही अगर मैं बना दूँ वैल्यू गेट करने के लिए, पहले तो इनको एक फॉर्म में ले जाएं, कट करके एक फॉर्म में ले जाएं, फॉर्म के अंदर रख दें और यहाँ पे एक बटन बना दें जिसके ऊपर क्लिक करें तो डाटा स्टोर हो जाए। यहाँ पे एक सिंपल बटन लिख दें रजिस्टर साइन अप, चलो साइन अप, नेम 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 10 क्या कह रहा है 10 11 12 13, अच्छा नेम दिए नहीं ना, ठीक है ओके। यहाँ पे इनकी स्टेट भी ना बनाई है मैंने, कॉन्स्ट नेम सेट नेम, यहाँ पे ले रहे हैं यूज स्टेट, खाली कर रहे हैं 2 3 4 करो, मैं अभी के लिए इतने झंझट में नहीं पड़ता। नेम एड्रेस, अच्छा आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, वो वाला आपने तरीका पढ़ा हुआ है, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई इनिशियल लेवल पे भी है तो उसको प्रॉब्लम ना आए कि ये डाटा के साथ हो क्या रहा है, पासवर्ड और सेट पासवर्ड। इसका मेथड मैं इधर इनलाइन ही बना देता हूँ सबका, इधर आता हूँ इनपुट के अंदर इस जगह करके बना लेते हैं सबका वैल्यू के पास, एंटर कर दें, यहाँ पे बना दें ऑन चेंज, ऑन चेंज अगर मैं बनाऊँ वो एक इवेंट लेगा एरो फंक्शन की डॉट टारगेट डॉट, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, पहले सेट नेम कर, ऐसे होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल, अब ठीक है। बस यहाँ पे सेट ईमेल कर दें, सेट एड्रेस सेट ईमेल सेट पासवर्ड, चलो ये मसला सॉल्व। बटन पे ऑन क्लिक पे को फंक्शन बना लें, ऑन क्लिक कर दें रजिस्टर यूजर, कॉपी करें और यहाँ पे आगे एक फंक्शन बना दें कौन रजिस्टर यूजर, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना के कंसोल डॉट लॉग में इन्हीं लिखता हूँ यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ताकि वो रिफ्रेश ना हो, और इसको जाके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम एड्रेस, चेक कर लेते हैं कि आ क्या रहा है, क्या मुझे कंसोल पे डाटा मिल रहा है ये वाला, यहाँ पे आ जाए लें, यहाँ पे कंसोल में आ जाए क्लियर कर दें, नेम लिख दें कामरान, चलो लाहौर कामरान @gmail.com,
पासवर्ड एडमिन साइन अप, ये डाटा आ गया, यानी यहाँ का काम हो गया। और इसमें फिलहाल अभी कोई नई चीज नहीं है, ये वही वाला जो आप कर करके थक गए। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे कि जब मैं क्लिक करूँ तो मैंने किस पाथ पे डाटा स्टोर करना है, इस पाथ पे। इसको कॉपी करके इधर ले आते हैं ताकि मैं बार बार इधर ना आना पड़े, इधर रख दो। फंक्शन मैंने बना दिया है, तो यहाँ भी अगर मैं कर दूँ फैच का मेथड अभी एक लगा लेते हैं, एक दिन फैच एक दिन एक्सेस, तीनों एक्सपेरिमेंट हो जाए। ये वाली URL हो तो क्या करें, तो क्या करें, तो हम ये करते हैं जनाब, यहाँ पे आपने मेथड डिक्लेयर करना है। मेथड, मेथड क्या है आपका, पोस्ट क्रिएट होगा तो क्रिएट, एक्सेस में तो वैसे ही मिल जाती है इजी, लेकिन बाकी अगर फैक्ट डॉट देन या एसिंक वेट करते हैं तो आपको मेथड बताना पड़ेगा कि आप किस नेचर का डाटा, किस नेचर का आपका जो मेथड है वो हिट कर रहे हैं। और दूसरा आपका आएगा बॉडी, बॉडी के अंदर आप क्या चीज़ें भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, नेम, एड्रेस, ईमेल, ये उसी रिक्वायर डॉट बॉडी में जाएंगी, ये वाली चीज़ है, पासवर्ड। लेकिन आपको पता है ये ऐसे भेजेंगे तो मसला आएगा, इन सब को मेथड होते हैं, इनको स्ट्रिंगिफाई में आपने भेजना होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ये जो स्ट्रिंग है ना इसे जेसन में कन्वर्ट करता है ये मेथड, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करके भेजना है। तीसरी इसमें ऑप्शन आती है हेडर, हेडर ये देखें आप हेडर्स में, ये इनको हेडर्स कहते हैं, ये वाला, ये जो डाटा आप भेज रहे हैं ना जेसन फॉर्मेट में, ये वाले हेडर्स होते हैं, ये वाले जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाते हैं तो आपस में हेडर एक्सचेंज होते हैं, उनको शिनाख्त होती है। देखें हेडर एक्सचेंज करने का क्या फ़ायदा है, तो जब आप लॉगिन लॉग आउट करेंगे या ऑथेंटिकेशन की कोई फीचर लिखेंगे तो हो सकता है साथ आपको टोकन भी भेजना पड़े, साथ आपको लोकल स्टोरेज में कोई OTP कोड भेजना पड़े, इसलिए वो हेडर को शेयर किया जाता है कि उसमें चेक कर। इसकी यहाँ पे जस्ट आपने लिखना होता है कंटेंट टाइप, उसकी क्या होगी, कंटेंट टाइप होती है उसकी एप्लीकेशन स्लैश जेसन, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर जेसन टाइप डाटा जाएगा थ्रू हेडर। ये इसी तरह ही, मतलब ये तीन अगर आपने फेच डॉट देन वाला काम करना है ना तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ये सारा लिखना पड़ेगा। हाँ ये तीन मेथड, अगर आप एक्सेस करते हैं तो ये कुछ भी नहीं लिखना, एक्सेस में खाली लिखना है एक्सेस डॉट पोस्ट और ये वाली URL दे और उसके साथ डाटा पास कर दें, ये डायरेक्ट डाटा भेज, डाटा तो भेजना ही भेजना है, बाकी कंटेंट टाइप क्या है, मेथड क्या है, वो तो खुद आधे खुद ही एक्सेस डॉट पोस्ट होगा या गेट होगा या डिलीट होगा, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर चारों मेथड आपको मिल जाते हैं। लें बात कहानी खत्म होगी, इसको एसिंक का वेट बना लें क्योंकि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे, तो उसको हैंडल करने के लिए मैं इसको एसिंक का वेट बना लेता हूँ, इसको मैं रिजल्ट में स्टोर कर लेता हूँ और इसको अवेट बना ये, और जो मेरा रिजल्ट आया है इसको मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा, रिजल्ट डॉट, अब ये डाटा जेसन में कन्वर्ट होगा, ये आपने पढ़ा था। और अगर मैं कंट्रोल डॉट लॉग में जाके देखूं कि रिजल्ट के अंदर मिल क्या रहा है, ये लो अभी देखते हैं हो क्या रहा है, जैसा कि सारा जो आपने कोड लिखा है ये फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट पे ये बैक एंड पे, हां वहां पे लगा हमने जो प्रोसेस किया करते हैं, हां बाकी बात इसके साथ जोड़ेंगे, यानी जब भी आपने काम करना है उसकी दो API बनेंगी, अगर आपने डाटा भेजना है तो पहले बैकएंड पे लिखें उसका कि डाटा भेजना कैसे, स्टोर कैसे करना, और एट द सेम टाइम यू हैव टू राइट सच अनदर क्वेरी और API ऑन क्लाइंट साइड, आपको क्लाइंट साइड पे देखें, अगर मैं फ्रंट एंड से डाटा भेज दूँ किधर जाएगा, बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि डाटा यूजर भेज क्या रहा है, उसके अंदर प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सो अब कल को अगर मैं गेट करता हूँ तो पहले मुझे बैकएंड पे उसकी API बनानी पड़ेगी, इसको कहते हैं API जनाब, ये API है, ये RESTful API।
ये एपीआई है जिसका कहते हैं कि आपको एपीआई बनानी आनी चाहिए, एपीआई बनानी, एपीआई बनाने से मुराद है आपको थ्रेड ऑपरेशन आना चाहिए किसी भी किस्म का। तो एक ऑपरेशन हम कर रहे हैं क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे, लें जी डाटा आ गया। अब देखें इसमें एक इंटरेस्टिंग एरर आएगी, इसको पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक इस पे नई एरर आने का काफी अंदेशा है मुझे, उसको हम कहते हैं कोर्स। ये एक एरर आएगी क्रॉस रीजन रिसोर्स एरिया, देखते हैं अगर आ गई तो अच्छी बात है, ना आई तो हमारे को पता रहते हैं। इमरान लाहौर इमरान @gmail.com साइन अप करते हैं, एरर पड़े कोर्स, देखे ना पॉसिबल ही नहीं एरर ना आए। अच्छा इस एरर का मतलब क्या, क्रॉस रीजन रिसोर्स शेयरिंग, जब आप एक सर्वर से किसी अननोन या डिफरेंट सर्वर पे एचटीटीपी पे रिक्वेस्ट शेयर करते तो दोनों की दुनिया अलग अलग है। ये हमें तो लग रहा है कि एक ही सिस्टम पे पड़े हुए हैं, जनाब ये इधर कंटेंट पड़ा है ये बैकएंड साथ साथ पड़े, ऐसा सीन नहीं होता। उसके लिए दोनों सर्वर अलग अलग है, क्लाइंट साइड का सर्वर अलग है, सर्वर साइड जो बैकएंड उसका सर्वर और आईपी एड्रेस अलग है। अब देखें अज्यूम कर लें एक वेबसाइट है जो दुबई में बन गई है, मैं उसको यहाँ बैठे एक्सेस करता हूँ, उसका आईपी एड्रेस पता नहीं क्या है, और पाकिस्तान से जो रिक्वेस्ट थ्रू पीटीए की डोमेन से जा रही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर जा रही है, हमारा एक अलग सर्वर है। मैं अमेजोन का देखें सर्वर पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ, हम सारा दिन बेच के नहीं चीज़ें भी खरीद रहे हैं, सारा दिन ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं। सो जब आप एक अलग सर्वर से किसी डिफरेंट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ये मसला आता है कोर्स का। हो सकता है आप ऑफिस में कल को इन छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई भी हो जाए, मतलब आप बैकएंड डेवलपर हैं, आपने देखें आपकी एपीआई टेस्ट करके दे दी, आप कह रहे हैं जनाब डाटा सही जा रहा है, ये हो रहा डाटा मैंने जनाब पोस्टमैन पे टेस्ट करके दी है, फ्रंट एंड वाला कहेगा जनाब मैंने कंसोल भी करके देख लिया ये जरूर दो, आप मेरे साथ अभी है ना कंसोल पे चेक करा देता हूँ फ्रॉम से डाटा जा रहा है। हाँ जब मैं इस एपीआई पर रिक्वेस्ट हिट करता हूँ ना तब कोई ना कोई मसला आता है, इसका मतलब है बैकएंड वाले का मसला है। एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए ये बैकएंड डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि कोर्स के इशू को रिजॉल्व करके, कल को आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे आपको ऐसे हादसा दरपेश आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का मसला आए तो आप अपने बिजनेस मैनेजर को या प्रोजेक्ट मैनेजर को कहेंगे यार बैकएंड डेवलपर को समझाएंगे कि मुझे कोर्स क्लियर कर सके, ये क्लाइंट साइड का काम नहीं होता सर्वर साइड पे होता है, जब सर्वर साइड पे ही करना है तो उसके लिए उन्होंने इसके लिए एक अलग लाइब्रेरी बनाई है कोर्स के नाम से npm install कोर्स npm, अभी फिर लिखें कोर्स npm, आपको इसकी कमांड मिल जाएगी npm i कोर्स, ये इसको पढ़ लें पहले दिन गई यार कोई ठीक है तो ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखते जो बंदे को पढ़ के समझ आते। हाँ इफ यू डोंट वांट टू ब्लॉक रेस्ट टूल्स और सर्वर टू सर्वर रिक्वेस्ट, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट, तो वो कहता है जनाब ये वाला काम आप क्लियर कर लें, सो हम इसको क्लियर कर देते हैं जनाब, ये लें इसको पहले इंस्टॉल करें टर्मिनल में जाके, यहाँ पे लिखते हैं npm i कोर्स, ये ले छोटी सी लाइब्रेरी है इतनी देर ताकि डॉट जेएसएन में देख लें, और ये मसला तो सॉल्व हुआ। अब इसको आपको सेट करना पड़ता है, खुद ब खुद नहीं हो जाती, अगर आपने इंस्टॉल किया तो इसको पहले इंपोर्ट करें फॉरन इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ये मसला हो गया, और यहाँ पे जाके इसको आपने यूज भी करना होता है क्लियरिंग क्रॉस कोर लिखकर, फिर ऐप के अंदर आप इसको क्लियर करेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ कोर्स, ये फंक्शन की तरह यूज होगी,
और अगर कल को आपको भूल जाए तो आप इसकी npm डॉक्यूमेंटेशन पे भी आएंगे, इधर कहीं ना कहीं इन्होंने यूज किया होना है इसको। देखो ना ये मुश्किल ही करते हैं हमेशा काम। हाँ ये हाँ इसने रिक्वायर किया तो हम तो रिक्वायर नहीं ना कर रहे, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाकी यूज करने का यही तरीका है। अब जाके ये वाला मसला तो बस सॉल्व, बैकएंड को एक दफ़ा रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब मसला है कि डाटा एक दफ़ा प्रॉपर ही सारे काम करते हैं। npm स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे जाके हम फ्रंट एंड से अब रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, इधर आ जाएँ, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, ठीक हो गया। इसको वैसे कंसोल पे भी चेक कर लेंगे, कंसोल पे डाटा आ रहा है कि नहीं, कंसोल पे कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं जी रिजवान, एड्रेस लिख दें जनाब फैसलाबाद, ताकि कोई नई इंफॉर्मेशन डाले पता तो चले ना, रिजवान एट दी रेट gmail.com, एड साइन अप करें, प्रॉमिस में डाटा चला गया, प्रॉमिस क्यों नहीं पूरे हो रहे। यार हमने क्या किया, ओहो जब इसको कन्वर्ट करना है इसको भी तो वेट करें ना। अब ठीक है कहाँ, अब दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे हिसाब से अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब इसको वैसे ही रिफ्रेश कर, ये छोटे मोटे जिंदगी में एरर आते ही रहेंगे, अगर कोडिंग करनी है तो एरर ना आए तो इसका मतलब आप अच्छे कोडर थी। एरर आने की निशानदेही है कि आपको कोडिंग करने में इंटरेस्ट है, लेकिन नया कुछ एड डाल देते हैं फिर बहुत आते हैं। irfan@gmail.com एड साइन अप, बैकएंड तो क्रैश नहीं हो गया, बैकएंड चल रहा है, साइन अप ले, मुबारक हो, कंसोल पे डाटा आ गया, एड्रेस सरगोधा क्रिएटेड एड, इसका मतलब है बैकएंड में भी चला गया, जो क्रिएटेड ऐड आ गया ना साथ की आईडी आ गई है, तो इसका मतलब है आप मोगो डीबी में जाके अपने दिल को तसली दे सकता हूँ। रिफ्रेश कर, तीन कॉड है, अभी चार हो गए, बल्कि पाँच हो गए भाई, अरे रिजवान भी हो गया था तो फिर प्रोमिस की वजह से वो भी डाटा आ गया, रिजवान भी आ गया। आप कोई और डाटा ऐड करके देख लें ताकि एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई हो जाए मज़ीद। यहाँ पे जनाब हम अपने किसी स्टाफ का लिख देते हैं बुरहान, इसको कह देते हैं ये सही बात है, burhan@gmail.com एड साइन अप, आ गया डाटा, इधर आए पांच हैं, आप इसको रिफ्रेश करें छह हो गए, ये देख ये आ गया, क्या कह रहे हैं डाटा चला गया, सारी यही काम करना है हमने, फ्रंट एंड से नोड के पहले फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी एक्सप्रेस के पास, एक्सप्रेस पढ़ के चेक करेगा, नोड के पास भेजेगा, नोड उसको प्रोसेस करेगा कि क्या मेरे अंदर कोई API लिखी हुई है, API हमने अभी सुबह सुबह ही लिख दिया क्योंकि दिमाग फ्रेश था, API भी लिख दी, और इसको पहले इधर स्टेप बाय स्टेप इसको चेक किया मैंने, पहले पोस्टमैन पे चेक किया फिर फ्रंट एंड बनाया, अगर मेरा पोस्टमैन पे डाटा नहीं जा रहा तो ये खाम खा इधर मददमारी करने का कोई फायदा नहीं, पहले तो डेटाबेस में डाटा भेजना तो पहले सीख लेना, अगर आपका पोस्टमैन से जा रहा है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो आपने क्लाइंट साइड से इसको इंटीग्रेट करना, इसमें एक नई चीज़ आती कोर्स वो भी क्लियर कर दिया हमने, ये आना ही होता है मसला जब आप एक अलग सर्वर से किसी दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट देते हैं तो ये मसला आता ही आता है, आपने कोशिश करनी है इसको गेट करें, इस डाटा को गेट करें, अगर करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने एक प्रोफेशनल लेवल की फ्रंट एंड, अब आप मैंने तो ये जल्दबाजी में फॉर्म आड़ा तिरछा बना दिया है, लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, आपने इसको प्रॉपर बना, एंगुलर रिएक्ट के मतलब बात है, हाँ फ्रेमवर्क
वो गूगल का, रिएक्ट फेसबुक का, भाई ये फर्क है। बल्कि वो यूज ही नहीं आप होता, वो कुछ कुछ जगहों पे रह गया, आपको उसकी जॉब भी 100 में से 5 जॉब उसकी आपको नजर आएंगी हार्डली। रिएक्शन से पर हो जाए। रिएक्ट इस वक्त बात है, और वो भी सिर्फ फेसबुक की वजह से। हाँ अच्छा जी, फेसबुक ने इसको काफी अरूज बख्शा है, उसकी टीम के पास बहुत टाइम होता है, वो सारा दिन यही काम करते रहते हैं। वो कोई ना कोई नई चीज बनाते रहते हैं। देखें, रिएक्ट के अंदर इतनी रैपिडली चीजें चेंज होती हैं, जावास्क्रिप्ट की इतनी लाइब्रेरी बन चुकी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप नाम सुन के बंदा शौक हो जाता है यार, यानी आप सिर्फ उसको काम बताएंगे मुझे ये काम करना है, उसमें कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बन जाती है। जैसे वो तो मिसाल नहीं, यूट्यूब से बने, फेसबुक से बने, वो कहते हैं दुनिया का कोई ऐसा हादसा नहीं है जो कासिम अली शाह के साथ ठीक है। इसी तरह दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो फेसबुक ने उस पर लाइब्रेरी नहीं बनी, समझ गए? जिनको समझ आ गई वो दिल में आसो। रिएक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं, ये कैसे पता चलता है? ऑफिशियल वेबसाइट चलती वो, जब आप उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहते हैं ना फ्रीक्वेंटली, तो वो आपको खुद ही बताता रहता है कि जनाब अक्टूबर में नई चेंज आने वाली है, उस पर टीम काम कर रही है। वो खुद ही वहाँ पे ऑफिशियल अपडेट्स आती रहती हैं, पोस्टिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड यूजिंग। लो जी, कल का भी हमने कसर आज निकाल लिया, हालांकि मेरा था कि मैं सिर्फ बैक एंड कराऊं, लेकिन आपने आगे पूरा हफ्ता गायब हो जाना है, तो इसलिए मैंने डाटा को सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पे करवा दिया, ताकि एटलीस्ट एक प्रोसेस तो कंप्लीट हो। इसी डाटा को हम गेट कर लेंगे, इसी को कल को अपडेट करेंगे, फिर इसको डिलीट करना सीखेंगे। जब ये आप ये करा, लेकिन अब इसके अंदर हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएंगे, मैं इसको एनहांस करेंगे। अभी पासवर्ड देखे मैंने, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधा सीधा पासवर्ड है, पासवर्ड को हैश करेंगे, नहीं उसको ऐसा डीकोड कर देंगे कि उसकी वो अजीबो गरीब से सिंपल बन जाए। ये दोनों को सर जी, दोनों को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दें, जब से मैं आया हूँ तो मैं तो चेहरे ही नहीं देखा उनका। चले भाई, वो आप क्या हम उनका कर सकते हैं, नहीं आना चाहते तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं ला सकते। हमारी तो क्लास रेगुलर होती है, जब क्लास होती है हम तो छुट्टी करते ही नहीं। मैं तो मेरी क्लास का तो नाजरी शायद ही कभी भी साल में कैंसिल होती है, वो भी पर्सनल अर्जेंसी हो, वो भी मैं लाइव ले लेता हूँ। हाँ, क्लास है मेरी कैंसिल नहीं होती, वो पूरा कोर्स ड्यू डेट पे खत्म हो। हाँ, कर एक मिनट, अब एरर की बारी रहे लें, रखें जल्दी जल्दी करें। ये डाटा आपका अपलोड हो गया, ये वॉइस जरा बंद कर दें, वो हमारी बातें ही ना सुन लें।